समाज वाली पार्टी में अब शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉर। राम गोपाल की चिट्ठी के बाद सपा में जारी है लेटर बॉम्ब। एमएलसी आशु मलिक ने व्हाट्सएप पर लिखा खुला खत। आशु मलिक ने व्हाट्सएप के जरिए दिया एमएलसी उदयवीर सिंह को जवाब। मुलायम को हटाने की मांग करने वाले लोग स्वार्थी लोग हैं, मुलायम पर उंगली उठाने वालों की राजनीतिक हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी मुलायम के दम पर है, आशु मलिक ने कहा परिवार में मतभेद का फायदा उठाने वालों से सावधान रहा जाए, मुलायम के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। मुसलमानों का विश्वास है मुलायम सिंह यादव, आशु ने कहा मुलायम के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने सपा सुप्रीमो को लिखी थी चिट्ठी, अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की थी। पार्टी बड़े नेताओं के बीच कलह के चलते टूट रही है, सीएम के साजिश के तहत अपमानित किया जा रहा है। उदयवीर ने नेताजी को पार्टी का संरक्षक बनाने की बात कही है, सीएम के करीबी माने जाते हैं सपा एमएलसी उदयवीर सिंह। तो मुलायम के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बयान आशु मलिक का है। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने सपा सुप्रीमो को इस बाबत चिट्ठी लिखी थी कि अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी बड़े नेताओं के बीच कलह के चलते टूट रही है, सीएम को साजिश के तहत अपमानित किया जा रहा है। उदयवीर ने नेताजी को पार्टी का संरक्षक बनने की बात कही है, सीएम के करीबी माने जाते हैं सपा एमएलसी उदयवीर सिंह। तो उदयवीर सिंह ने नेताजी को पार्टी का संरक्षक बनने की बात कही थी, बाकायदा चिट्ठी लिखकर तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था। सीएम के करीबी कहे जाते हैं सपा एमएलसी उदयवीर सिंह। और हम आपको दिखा रहे हैं कि फिर आशु मलिक का क्या जवाब आया। वो कह रहे मैं दुखी हूं, मेरा दिल बेचैन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखने को मिलेगा। राम गोपाल की चिट्ठी के बाद सपा में जारी है लेटर बॉम्ब। उदयवीर सिंह की चिट्ठी, आशु मलिक का चिट्ठी पर जवाब। आशु मलिक ने व्हाट्सएप के जरिए दिया एमएलसी उदयवीर सिंह को जवाब। साफ तौर पर आशु मलिक ने कहा कि आज का दिन मैं बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं, मैंने नहीं सोचा था कि यह भी दिन देखने को मिलेगा। और तमाम तरह की बातों का खुलकर जिक्र किया है इस जवाब के जरिए आशु मलिक ने उदयवीर सिंह की चिट्ठी का। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, हमारे साथ वहां से हमारे ब्यूरो हेड है आलोक पांडे। आलोक, जो लेटर बॉम्ब है उसको लेकर अब जो सरगर्मियां हैं खासी जोर पकड़ रही हैं, वार पर पलटवार हो रहा है, असल तस्वीर धरातल पर है क्या? देखिए निधि, जो असल तस्वीर की बात किया जाए तो असल तस्वीर यही है कि समाजवादी पार्टी में भारी षड्यंत्र चल रहा है। और अगर तीनों चिट्ठियों की बात की जाए, सबसे पहले राम गोपाल की चिट्ठी, तो उन्होंने भी यही लिखा है कि पार्टी के हित में अच्छा है, कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टी में समस्याएं रहे तो उसके चलते आपको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। कल जो उदयवीर ने भी चिट्ठी लिखी उसमें भी पांच जो चीजें, उसमें सबसे पहले उसने यही लिखी कि पार्टी के बीच में षड्यंत्र, कुछ बड़े नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, परिवार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और आज जो उस चिट्ठी के जवाब में आशु मलिक ने अपना जो जवाब दिया, उन्होंने भी यही कहा है कि पार्टी के बीच भारी एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। तो निश्चित सी बात है कि तीन अलग अलग लोग हैं, चाहे उदयवीर एकदम अलग हो गए, रामगोपाल अलग हो गए और आशु मलिक अलग हो गए। एक तरीके से अगर बात कर दिया जाए तो उदयवीर और आशु मलिक दोनों अलग अलग खेमे के एक तरीके से हो गए, क्योंकि जब दोनों लोग आकर एक सीएम के पक्ष में आ रहे हैं, दूसरे मुलायम सिंह के पक्ष में आ रहे हैं, तो निश्चित सी बात है दोनों अलग अलग खेमे। लेकिन बात दोनों जन एक ही कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर भारी षड्यंत्र है। और अगर उदयवीर कह रहे हैं कि जो कुछ बड़े नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसी बीच आशु मलिक कह रहे हैं कि नहीं, और जो नेता है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन षड्यंत्र की बात ये सभी लोग मान रहे हैं, इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अलग अलग रास्तों पे चल रही है। देख, पैरलर पार्टी लगभग अखिलेश यादव बना चुके हैं, पैरलर एक जो मुहिम है, संगठन है, वो अखिलेश यादव बना चुके हैं। और अब ये चीजें अब तक तो चिट्ठी के जरिए थी, लेकिन आज आशु मलिक ने इन सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिया है।
व्हाट्सएप पे सार्वजनिक कर दिया, फेसबुक पे सार्वजनिक कर दिया, ये सारी चीजें बोल दिया है। हालांकि ये जो चीजें थी ये सीधे बड़े लोगों को डिस्कस करनी चाहिए या चिट्ठियों को भी काफी तरीके से गोपनीय रखनी चाहिए। और फेसबुक या व्हाट्सएप पे चलाने से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा निधि इसका, वो आएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको किस दर पे जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ बैठने से उनका फायदा, क्योंकि इसमें कई एक ऐसे लोग हैं जिनके काफी अच्छे संबंध शिवपाल जी से भी हैं, काफी अच्छे संबंध मुलायम सिंह जी से भी, काफी अच्छे संबंध अखिलेश यादव से भी, रामगोपाल से भी हैं। अब कहीं ना कहीं वो लोग अपने घर पे बैठ के वेट एंड वॉच की जो पद्धति उसको अपना रहे हैं कि देखते हैं कि किसका पल्ला भारी पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और इसका इंतजार सभी को। कंफ्यूजन यानी कि जो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, आपने जिक्र फरमाया कि निधि अलग अलग रास्ते हैं आलोक जी, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है ना। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, मकाम को हासिल करना है, तो रास्ता तो साथ चलना ही होगा, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत गलत साबित हो सकती है आगामी चुनावों के मद्देनजर, मनोबल को कम करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में और संगठन की मजबूती पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे में टाइमिंग वाकई में बड़ी खराब है। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग खराब है, मंजिल भले ही एक हो लेकिन मंजिल के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। पिछली बार भी अगर समाजवादी पार्टी आई थी तो निश्चित सी बात थी कि अखिलेश यादव उसका चेहरा बने थे, युवा जोश और युवा नेतृत्व के साथ उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया था। पीछे जो थिंक टैंक था, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, जो बड़े और भी बड़े जो नेता थे, उनका एक थिंक टैंक था जो अखिलेश यादव को पीछे से सारी चीजें मुहैया करा रहे थे, समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को मुहैया करा रहे थे, जिसके चलते बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और भारी बहुमत के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आई। लेकिन अब जब दोनों के रास्ते अलग हो जा रहे हैं, पार्टी में थिंक टैंक नाम की कोई चीज बची नहीं, पार्टी की विचारधारा या पार्टी की नई नीतियां रणनीतियों को बनाने वाला कोई बचा नहीं है। उसके बाद अब पार्टी में दो फाड़ हो जाना, वो भी उस समय जब पार्टी अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है, उस समय पार्टी में दो फाड़ हो जाना, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ षड्यंत्रों का माहौल है। अखिलेश यादव ने कल एक चिट्ठी लिख के मुलायम सिंह यादव को पहले भी कह दिया, जब जो हम लोग लेटर बॉम्ब की बात कर रहे हैं कि ठीक है साहब कि हमारा 3 अक्टूबर को जो प्रचार प्रसार शुरू हो रहा था मैं नहीं कर पाया, अब मैं उसको 3 नवम्बर से कर रहा हूँ। हालांकि यही प्रचार प्रसार वो 7 नवम्बर से भी कर सकते थे, 5-6 नवम्बर से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा 3 नवम्बर से करो। इसका मतलब रास्ते पूरी तरीके से निधि अलग हो चुके हैं और ये आने वाले समय में समाजवादी की पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इनपुट देने के लिए। हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो हेड मौजूद थे आलोक पांडे।